कमान छिपा ली, अब इतना भी नाराज होना ठीक नहीं। युवराज देखो तो आंजे। लगता है गलत वक्त पर आ गई हूँ मैं, लेकिन एक खुशखबरी लेके आया था। मामा, इस कमरे में आने के लिए आपको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, आइए ना। नहीं नहीं भांजे, ये बेडरूम है और बेडरूम सिर्फ पति पत्नी का होता है, बिना इजाजत आना गलत बात है ना। वैसे शेफाली बेटा ये देने आया था। मानसेन जीजा ने कहा कि भाई हमने युवराज और शेफाली को हनीमून पे से जल्दी बुला लिया था, तो अब हमें अपनी गलती सुधार लेनी चाहिए, इसलिए स्विट्जरलैंड का टिकट है। जितना जी चाहे रहो, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होगा। ये लो। थैंक यू मामा जी, पर क्या है ना, मैं कहाँ जाती हूँ और कहाँ नहीं, इस बात का फैसला तो मैं खुद ही करती हूँ। और फिलहाल मुझे युवराज के साथ कहीं नहीं जाना। बाली, तुम मेरे साथ। युवराज, मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की गलती भी मत करो। अंजे, मने लागे है कि मैं गलत वक्त पर आ गया हूँ। Excuse me. हमें जितना लगे इतनी ये छोटी बात नहीं है। सच बता, बात क्या है? कहीं तू हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहा है? मामा, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। उसे मैं उस दिन पब नहीं ले जा पाया, शायद इस वजह से ऐसा बिहेव कर रही है। नहीं भांजे, मैं नहीं मानता। इतनी छोटी सी बात के लिए शेफाली मेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं कर सकती। कहीं से हमारे बारे में सब कुछ पता तो नहीं चल गया? खुशहाल, मुझे पता कैसे चलेगा? कहीं तुमने क्या खुशहाल शेफाली को ये बात न मैंने बताई, न युवराज ने और ना अक्ष, तो फिर उसको ये बात पता कैसे चलेगी? और खुशहाल, जहां तक मैं शेफाली को जानता हूं, वो चुप बैठने वालों में से नहीं है, उसी वक्त रिएक्ट करने वालों में से है। ठीक कह रहे मामा, मुझे एक चिंता और है। हमारे घर पर होली का उत्सव है 3 दिन के लिए, और ऐसे मौके पर हम प्रताप खंडेलवाल को अवॉइड नहीं कर सकते। और अगर प्रताप खंडेलवाल ने यह महसूस कर लिया कि शेफाली इस घर में खुश नहीं है, तो हमारे लिए ठीक नहीं होगा। तो जिया करे भी तो क्या करें? वही तो समझ में नहीं आ रहा खुशहाल। जहां तक मैं समझता हूं, हमारे पास फिलहाल उसे मनाने के अलावा कोई और तरीका नहीं। बस एक बार ये पता चल जाए कि इस वक्त उसके जहन में क्या है। अर्जुन, मंदिर में मैंने जो कुछ कहा सच है। शेफाली, युवराज को डिवोर्स देने वाली बात को तुम एक बार। नहीं अर्जुन, मैं उस बात के बारे में नहीं कह रही। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें आज भी चाहती हूँ। जब सच्चाई का पता चला तो मैं एकदम टूट चुकी थी अर्जुन, बस
तुम्हारे साथ उसके बाद जितने भी पल बिताए, ऐसा लगा मेरी खोई हुई जिंदगी मुझे वापस मिल गई। देखो शिफा, मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ, लेकिन तुम्हारा ये सोचना जायज है कि नहीं? यही कहने वाले थे ना। जानती हूँ दुनिया के रस्मों के मुताबिक हम दोनों के बीच जो भी रिश्ता है, उसके बाद मैंने तुमसे जो कहा जायज नहीं है। पर ये बात भी सच कि अगर आज मैं इस घर में टिकी हुई हूं, वो सिर्फ इसलिए कि मैं जानती हूं कि तुम भी यहां हो। मैं तुमसे जितना दूर जाने की कोशिश करती तुम्हें उतना ही करीब पाती हूं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अर्जुन तुम्हें मुझे बताओ मैं क्या करूं। जिस चाहत के हकदार तुम हो वो हक अब मैं और किसी को नहीं देना चाहती। मैं जानती हूँ अर्जुन, मैंने तुम पर विश्वास ना करके बहुत बड़ी गलती की। मैंने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है और अब मैं वो गलती सुधारना चाहती हूँ अर्जुन। मैं तुम्हें पाना चाहती हूँ। शेफाली देखो अर्जुन, अगर तुमने मुझसे मुंह मोड़ लिया तो मैं जी नहीं पाऊंगी अर्जुन। मेरी खुशी सिर्फ तुम हो, सिर्फ तुम अर्जुन। तुम तो ये बात कह भी सकती हो शिफा, पर मैं कहूं भी तो कैसे कहूं। जीजा जी, मन लगे कि आखिर युवराज ने शेफाली को मना ही लिया। जो भी हुआ अच्छा ही हुआ खुशाल। आ बेटा बैठो बैठो। दादी जी और चाय? नहीं। वाइसा कह रही थी कि होली के अवसर पर हमारे यहाँ 3 दिन का उत्सव मनाया जाता है। हाँ बेटा, ये परंपरा हमारे घर में बरसों से चली आ रही है। इस बार इस अवसर को हम लोग सब साथ मिलकर मनाएंगे। आज ही तो हवन है शाम को। ताऊ जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहती थी। हाँ बोलो। शादी के बाद युवर शेफाली की ये पहली होली है। मैं चाहती थी कि हवन यही दोनों करें। क्या बात है ताऊ जी? मैंने कुछ गलत तो नहीं कह दिया? बहू, तुमने मेरे मुंह की बात छीन ली। तुम ना कहती तब भी मैं यही करता। ये हवन युवराज और शेफाली ही करें।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।